शेष नारायण सिंह की पत्रकारिता का यही वो तेवर था जो उन्हें आधुनिक पत्रकारिता की भीड़ में अलग रखता है। शेष नारायण सिंह अपने बेबाक अंदाज और आजाद पसंद पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। चाहे टीवी डिबेट का हंगामेदार शो हो या फिर टीवी पर नरमी से अपनी सटीक बात रखनी हो, शेष नारायण सिंह का अपना एक अलग अंदाज था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में संपादकीय के जबरदस्त लेख की बात हो, इन सभी को पिरोना उन्हें बखूबी आता था। देसी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले शेष नारायण सिंह यूपी के सुल्तानपुर के मामपुर छलिया गांव में रहने वाले थे। उनके करियर की शुरुआत 1973 में बतौर लेक्चरार हुई थी, लेकिन यहाँ मन रमा नहीं तो दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली में उनके पत्रकारिता का सफर साल 1986 में ऑब्जर्वर से शुरू हुआ, जिसके बाद सहारा समय, जेवीजी टाइम्स, एनडीटीवी और देश बंधु तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर बड़े मुद्दे पर टीवी चैनल्स पर अपनी राय बेबाकी से रखते थे। इस दौरान उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें और भी तराश दिया था। उन्होंने पत्रकारिता को जुनून के तौर पर जिया। पत्रकारिता के पुरखे श्रृंखला के तहत दिवंगत शेष नारायण जी को याद करना कुछ भावुक पलों को जन्म देता है। सुल्तानपुर नाम की छोटी सी जगह से जीवन आरंभ करके राजधानी में पत्रकारिता के शीर्ष चेहरों के बीच एक आदरपूर्ण स्थान हासिल करना आसान नहीं होता। उन्होंने कर दिखाया। हिंदी भाषा को लेकर वो बहुत जागरूक थे। आधुनिक विचारों के बावजूद कभी गांव के संस्कारों को नहीं भूलते थे। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी शेष नारायण सिंह गांव से जुड़े रहे। कभी भी उनका सुल्तानपुर उनके दिल से निकला नहीं और आखिरी तमन्ना यही रही कि गांव के किसी एकांत कोने में गोमती किनारे कुटिया बनाकर जिंदगी बिताएं। लेकिन किसे पता था कि इतनी जल्दी जलधारा अवशेषों को अपने आंचल में समेटने की प्रतीक्षा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।